मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार कौन से हैं, गांव से आप? ये मैं ग्राम पंचायत मंगूपुरा से पटारी पत्ता उम्मीदवार हूँ। कौन सा चिन्ह मिला आपको? मेरा चिन्ह है कोट। कोट क्या जनता से कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? अपील करें जनता से, मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जो प्रत्याशी हैं उनको सबको देखें, कैसे कौन प्रत्याशी है, कौन आप जनता की सेवा करेगा, कौन शिक्षित है, कौन जनता के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। बस मैं जनता से यही उम्मीद करता हूँ वो एक अच्छे को चुने और बेहतर को चुने। जनता किस तरह सहयोग मिल रहा है आपको? जनता से मुझे काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जनता एक बार मेरा सुनने में कि युवा चाहती है, वो भी बदलाव चाहती है इसमें भी प्रधानी पद में, कि एक युवा आए जो हमारी बातों को सुने, जो हमारे हर काम के लिए तत्पर रहे। तो जनता से मुझे अच्छा सहयोग मिल रहा है, तो इसलिए मैं जनता का भी काफ़ी शुक्रिया करना चाहता हूँ जो मुझे इतना सहयोग दे रहे हैं। किन किन मुद्दे पर चुनाव होगा? मेरे मुद्दे तो देखो, मेन तो यहाँ मुद्दे मेरे हो गए, यहाँ पे एक तो ये रोड है, जो यहाँ पे रोड नहीं है, और ये लाइटिंग की व्यवस्था है, और ये थोड़ा शिक्षा की व्यवस्था है, और ये जो हमारे वृद्ध बूढ़े इंसान है उनको पेंशन की व्यवस्था, और ये मेन चीज यहाँ पे कॉलोनी जो आती है वो किसी को नहीं मिल पाती। जो पहले के प्रधान करते थे वो इधर उधर जो भी करते थे वो पैसा खा जाते थे कॉलोनियों का, वो उन गरीबों को कॉलोनी दिलाना, उनके हक दिलाना, और गांव की व्यवस्था अच्छी कराना सर, और ये शिक्षा की व्यवस्था कराना मेरा मेन पॉइंट है। हमारा प्रधान एक शिक्षित होना चाहिए, जो हमारे गाँव के विकास के बारे में और नई सोच और नए विकास के कार्यक्रमों में हमें सहानुभूति दें। हम प्रधान चुनने के लिए सबसे पहले विजय कुमार जी को आगे रखेंगे, क्योंकि उनके मेन उद्देश्य हैं गांव से शिक्षा को सबसे पहले आगे लेके आना। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या अशिक्षित, मतलब शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। गांव में गंदगी, वो सबसे पहले गंदगी को हटाया जाए। नालियां हैं, सड़कें हैं, और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिससे हमारे प्रधान जी जो नई सोच और के साथ आएंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे।